क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड सवाल है। इसमें कहा गया द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एंड एम्पियर ए। है ना, कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका डायमेंशन निकालना है इनके टर्म्स में। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हम लोग मान लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो बाकी चार क्वांटिटी बताए गए इनसे कुछ इस तरह से रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं एच पावर ए हो गया, सी पावर बी, जी पावर डी और एम्पियर जो है एम्पियर का पावर में के कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो रिलेशन है ये तभी सही माना जाएगा जब दोनों तरफ डायमेंशंस जो हैं वो एक जैसे हों। तो पहले हम लोग इनका डायमेंशन निकालते हैं। जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना। तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क डन हो गया। और चार्ज जो है उसको करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, यानी कि एम्पियर इनटू टाइम, ये इसका डायमेंशन हो गया। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक का जो इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। प्लैंक का इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच होता है ई बाई न्यू, ई होता है एनर्जी। तो जैसे वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन इस वर्क डन के डायमेंशन के बराबर रखेंगे एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, फ्रिक्वेंसी होता है टी माइनस वन पावर ए, ये हो गया एच का पावर ए लिया था हमने। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड या वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, इसका पावर बी कर दिया। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है न्यूटन फॉर्मूला करेंगे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो जी का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, है ना। तो एफ का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर, आर जो है एक्चुअली में एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू यानी कि एम स्क्वायर, ये हो गया पावर डी। जी का पावर में डी रखा गया है और चौथा तो एम्पियर है तो इसका पावर के, ऐसे रखेंगे, है ना। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि एम का पावर क्या आएगा। इधर एम का पावर यहां पर है ए, है ना, और यहां पर एक एम यहां से और एक यहां से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा एम पावर माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यह आ जाएगा माइनस डी, ये तो आ गया एम का पावर। उसके बाद लेंथ जो है लेंथ का पावर लिखेंगे, तो लेंथ का पावर यहां पर आएगा टू ए, टू ए यहां पर आएगा बी, है ना। और यहां पर देखेंगे ये है एल पावर थ्री और पावर डी, तो ये हो गया थ्री डी, ये हो गया। और इसके बाद टी का पावर लिखेंगे, तो टी का पावर माइनस वन यहां पर है, माइनस टू यहां पर है, तो ये कैंसिल होकर माइनस वन रह जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस ए, माइनस ए यहां पर आएगा माइनस बी, और यहां पर आएगा माइनस टू डी, माइनस टू डी इंटू ए का पावर के। ये तो राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है एम पावर वन, एल का पावर टू, टी का पावर माइनस थ्री, ये टी ऊपर जाएगा तो, और ए का पावर माइनस वन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो पहले दिख रहा है यहाँ पर कि जो के है वो तो माइनस वन के इक्वल हो जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस वन, एक रिलेशन आ गया।
दूसरा रिलेशन जो है वो देखते हैं m, m का पावर 1 और यहां पर ये माइनस d इज इक्वल टू 1 ये आया। फिर यहां पर देखेंगे l का पावर में है ये 2a प्लस b प्लस 3d इज इक्वल टू 2, l का पावर यहां पर और यहां पर इक्वल कर दिया हमने। और इसके बाद t का पावर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इधर है a, मैं माइनस साइन हटा देता हूं, a प्लस b प्लस 2d इज इक्वल टू, इधर है t का पावर में माइनस 3, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इधर प्लस 3, उधर का माइनस गायब कर दिया, इधर का भी माइनस गायब कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया। अब इन चारों को हम लोग सोल्व करेंगे, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा a इज इक्वल टू d प्लस 1। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, a का जो वैल्यू है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आएगा 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस बी प्लस 3d इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये देखेंगे आ जाएगा 5d प्लस बी, है ना, 3d ये वाला, 2d ये वाला, 5d हो गया प्लस बी, यहां आएगा 2 और यहां 2 कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अच्छा, यहां पर देखते हैं a का वैल्यू यहां से d प्लस 1 रखेंगे, ये आएगा d प्लस 1 प्लस बी प्लस 2d इज इक्वल टू 3, तो इधर हो जाएगा 3d, 2d और ये d ऐड कर देंगे तो 3d प्लस बी जो होगा ये आ जाएगा इधर 3 है और यहां से 1 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 2, ठीक। अब इसको और इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से मैं क्या करता हूं, b का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा माइनस 5d, इसमें रख देते हैं तो 3d माइनस 5d इज इक्वल टू 2, है ना, p के जगह पर माइनस 5d यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया माइनस 2d इज इक्वल टू 2, यानी d का वैल्यू हो गया माइनस 1। अच्छा, d का वैल्यू माइनस 1 आ गया तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू माइनस 1 रखते ये हो जाएगा 5, तो d आ गया, b आ गया, अब a भी आ जाएगा, d का वैल्यू यहां से माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 ये हो जाएगा 0, है ना। तो a b d और k सब आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा v नॉट इज इक्वल टू h पावर a, a का वैल्यू अपना 0 आया है, है ना, उसके बाद c का पावर b, b का वैल्यू यानी कि 5 है, उसके बाद g, g का पावर d है तो d का वैल्यू यहां माइनस 1 आया है, g का पावर माइनस 1, उसके बाद a का पावर k, k का वैल्यू माइनस 1 आया है ना। तो ये रिलेशन आया, आप देखेंगे ऐसा रिलेशन इन चार में से किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, तो ये जो है इसके चारों ऑप्शन ही गलत है और इसलिए इसमें बोनस मिलना चाहिए, ठीक।